नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी 10+2 के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार टीयर फर्स्ट की? जी हाँ दोस्तों, कितना सेफ इस बार रह सकता है, कितने गुड अटेम्प्ट होने चाहिए तथा साथ ही साथ सारा सब कुछ डिटेल वाइज जानेंगे। जनरल ओबी नंबर पर सेफ हो आप। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 2018 यहाँ पर प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ जनरल का 143 हाईएस्ट कट ऑफ, और वहीं ओबीसी का बात करूं यहाँ पे 139। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मन में आपके कई लोगों के में ये डाउट होगा कि 143 यहाँ पे लास्ट टाइम गई थी, तो क्या इस बार 150 से बाहर चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बार 150 से बाहर चली जाए, अगले साल 160, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो पेपर लेवल था वो इस बार और पिछले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसके अलावा कई फैक्टर्स भी यहाँ पे डिपेंड करता है, मतलब कई फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, कई पॉइंट में आपको बताऊंगा कि उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, 100% कम जाएंगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर पोस्टों का। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में पोस्टों का अहम रोल होता है, आप सभी को मालूम है। अगर पोस्ट 10,000 होती है तो कट ऑफ उस हिसाब से जाती है, अगर 1,000 पोस्टें होती तो उस हिसाब से कट ऑफ बनती है। अगर मैं बात करूं 2017 और 18 की तो पोस्टें थी 5,895, वहीं दोस्तों इस बार की पोस्ट है 2018-2019 के लिए 5,789, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, माइनर सा फर्क है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बार आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये जो 5,895 पोस्ट है 2017 यानी कि प्रीवियस ईयर की, ये पोस्टें बढ़ने के बाद में हुई है। एक मैं आपको फेक्ट यहाँ पर प्रूफ देता हूँ, ये देखिए आप, 2017 की वैकेंसी को बढ़ाई गई थी, यहाँ पर ये डेट दी हुई है 10/5/2019। जी हाँ दोस्तों, एक दो महीने पहले यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो बढ़ाई गई थी, 1,000-1,500 के आसपास करीब पोस्टें बढ़ी थी। तो कन्फर्म है इस बार जो ये वैकेंसी निकली है उसमें भी पोस्टें बढ़ेगी, क्योंकि ये भर्ती इस साल तो होने से रही दोस्तों, ये आप दिमाग में रखना, इस साल भर्ती ये नहीं होगी, अगले साल ही आपको पोस्टिंग वोस्टिंग सारा सब कुछ फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो उस बार उस टाइम आप ये 100% मान के चलिए आपकी पोस्टें बढ़ेगी, कन्फर्म है। 2017 में बढ़ी है और उससे पहले भी बढ़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोस्टें निकालता है एसएससी वो एक तरीके से एक्यूरेट नहीं होती, ये नहीं होता कि यहाँ इतनी ही पोस्टें रखेगा, उसके बाद में बढ़ती ही बढ़ती है। कई बार तो होता है कि जितनी पोस्टें निकालता है उससे मतलब डबल ही हो जाती है वो, एक तरीके से मान के चलिए। तो दोस्तों ये कन्फर्म है कि अभी जो पोस्ट है वो पिछले मतलब पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था और पोस्टें बढ़ी थी उसके बाद में, मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए अभी जो 5,700 समथिंग पोस्ट है वो 6,000 या 7,000 के करीब जाएगी ही जाएगी, कन्फर्म है। मतलब कि पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 1-2,000 वैकेंसी की बढ़त होगी, कन्फर्म है। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है कट ऑफ कम जाने का। दोस्तों दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये है अटेंडेंस का। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस बार फॉरम थोड़े से कम आए, आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, मतलब इंडिविजुअल स्टेट वाइज भी कई एग्जाम चल रहे हैं, इसके अलावा ALP वाले या फिर और कई ग्रुप डी वाले एग्जाम चल रहे हैं। तो इस वजह से एसएससी का जो क्रेज़ था पिछले साल की तुलना में या उससे भी पिछले साल की तुलना में ये घटता हुआ नजर आ रहा है अपन को। जो सीजीएल का पहले क्रेज़ हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, और अगर 10+2 की बात करूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्तर गिर गया है इसका, मतलब क्रेज़ लोगों में रहा नहीं है, इसलिए कई बहुत कम बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कट ऑफ अपन से क्लियर होगी नहीं, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से बहुत कम लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, अभी अटेंडेंस की बात करता हूँ मैं, ये मान के चलिए जो 40% अटेंडेंस मैं बता रहा हूँ इस बार की, ये भी एक तरीके से मैक्स ही बता रहा हूँ, कहीं कहीं जगह तो मतलब कि 30% के आसपास बच्चे मतलब प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए जो कट ऑफ है उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा अटेंडेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म मान के चलिए। अभी तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर के लेवल का। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, और इस बार जो पेपर का लेवल आ रहा है आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने एग्जाम दिया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये मान के चलिए CGL के कंपेरिजन में, इक्वली मान लीजिए आप CGL और ये SSC 10+2 के पेपर को, एक 19-20 का अंतर होगा, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर बात करूँ मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, मैथ उठा के देखिए आप, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन देखिए, पिछली बार की तुलना में इस बार सीरीज़ वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल, जो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें अपन, बहुत ज़्यादा अप हुआ है। वहीं अगर और रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे डाले गए थे मतलब कि जो बच्चों से हो ही नहीं सकते और करने बैठे उसको हो सकता है, लेकिन उस 2-3 मिनट आपके खा जाएंगे। तो कई मतलब ये मान के चलिए दोस्तों, अभी जो पेपर हुआ है वो मॉडरेट ना मानते हुए आप तो हार्ड ही मान लीजिए उसको, एक तरीके से 10+2 के हिसाब से। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछली मतलब रिसेंट ईयर्स की कट ऑफ के बारे में, 2015 में आप जनरल ओबीसी देख सकते हो, जनरल जहाँ 120 जाता था, ओबीसी 110, मतलब कि 10 नंबर का डिफरेंस जो है दोस्तों ये तो कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो ये मान के चलिए जनरल और ओबीसी में 10 नंबर का डिफरेंस तो रहेगा फाइनल कट ऑफ, चाहे वो हो या फिर टीयर फर्स्ट की कट ऑफ हो, कन्फर्म मान के चलिए। वहीं अगर मैं बात करूँ 2016 वाले की, 2016 में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर बढ़े हैं, 120 हो गया
है, वहीं जनरल यहाँ पे 127.5, यानी कि मान के चलिए 7 से 10 नंबर के बीच में जनरल ओबीसी में डिफरेंस रहेगा। प्लस यहाँ पे जो 10-10 नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 15 से 16 में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ गया। वहीं अगर मैं बात करूँ 2017 की, जी हाँ दोस्तों 2017 में ये देख लीजिए आप, मतलब कि 139, और वहीं पे मतलब जनरल की बात करूँ 143। तो ऐसा नहीं है दोस्तों ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है तो ये इस बार मतलब कि 150 से क्रॉस कर जाएगा जनरल, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पिछली बार जो पेपर का सेट, मतलब पेपर जो सेट होते थे वो मतलब इजी लेवल के होते थे, इस बार मतलब ये मान के चलिए जो TCS करवा रहा है एग्ज़ाम कन्फर्म है 100%, इतना ज़्यादा ईजी नहीं आया है। आप सभी ने दिया है, एक बार पहले भी बता चुका हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है कौन सा एग्ज़ाम ले रही है। क्योंकि जो पिछली बार एग्ज़ाम्स लिए जाते थे उनमें होता क्या था दोस्तों, वही पेपर रिपीट होते जाते थे। आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस जीके के वही सारे के सारे रिपीट होते जाते थे। तो जो लोग मतलब 4 साल या 5 साल से तैयारी कर रहे थे वो आराम से खींच ले जाते थे, मतलब कट ऑफ को 150-140 के आसपास ले जाते थे। लेकिन अभी मतलब पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो गया है, एग्ज़ाम का लेवल जो है वो पूरा का पूरा अप हो गया, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पे। तो दोस्तों अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फाइनल में बता देता हूँ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की क्या रह सकती है। अभी दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा कि गुड अटेम्प्ट क्या एग्जाम के लिए, तो गुड अटेम्प्ट में आन के चलिए दोस्तों यहाँ पे 65 के अराउंड अगर आपने किए हैं एग्जाम में और विथ एक्यूरेसी 90, अगर आप श्योर हो यहाँ पे कि 90% आसपास यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी है तो क्लियर फर्स्ट निकाल लोगे। क्योंकि ये मान के चलिए दोस्तों एक्यूरेसी का खेल होता है यहाँ पे, अगर आप कम क्वेश्चन करते हो विथ वही एक्यूरेसी थोड़ी डाउट कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं और आपका मतलब जो लेवल है, सॉरी यहाँ पे मतलब जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर से चूक जाता है। वहीं अगर 75 के आसपास आप अटेम्प्ट करके आए हो एग्जाम में विथ एक्यूरेसी 80% के आसपास भी अगर आपका है तो चांसेस पूरे पूरे हैं कंफर्म आपका टीयर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। वहीं 85 के अराउंड आप करते हो 70% एक्यूरेसी के साथ में, मतलब कि 10 में से ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बनता है 85 के अराउंड अगर आपने क्वेश्चन किए आराम से सिलेक्शन हो सकता है, टीयर फर्स्ट क्लियर हो सकता है, मतलब ये मान के चलिए आप। चलिए दोस्तों अभी बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस बार ये मान के चलिए जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर फर्स्ट के लिए 125 से 130 के आसपास रहेगा, कन्फर्म है दोस्तों। कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे 140-145 के अबाउ जाएगा, कन्फर्म जाएगा, इतना हाई जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उनको ऐसे लगता है पिछली बार जो 143 गया था उससे अप ही रहने वाला है, क्योंकि हर बार अप होता जा रहा है, मतलब कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है तो इस बार भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। CGL का आपने देखा होगा, CGL का पेपर दिया होगा आपने, और अभी यहाँ पे SSC का ये मतलब 10+2 का पेपर दिया होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो लेवल है अप है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, तो ये मान के चलिए 130 यहाँ पे मैक्स मान लीजिए, ये भी मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, 130 के अराउंड ही यहाँ कट ऑफ रहेगा जनरल का। अभी बात करता हूँ यहाँ पे ओबीसी वालों का। जी हाँ दोस्तों ओबीसी वाले 120 से 125 के आसपास, मतलब कि मैंने जैसे बताया आपको 65-90% एक्यूरेसी के साथ आपके सही है तो कन्फर्म आपका टीयर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा ओबीसी वाले, ये मान के चलिए। मतलब ज़्यादा लोड ना ले, ये ना सोचे मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं मेरे थोड़े कम रह गए। दोस्त अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है तो कहीं ना कहीं आराम से टीयर फर्स्ट आपका निकल जाएगा। SC ST वाला ये मान के चलिए, SC कैटेगरी की बात करूँ 115 से 120 मैक्स बता रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ ये मान के चलिए 120 के आसपास, मतलब कि 118-117 के आसपास रहेगी कंफर्म मान के चलिए। SC वाले, ST वालों की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ST वाला 110 से 115 के बीच में अगर ला रहा है कंफर्म क्लियर कट यहाँ पे, मतलब विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए दोस्त, पहले भी बता दिया आपको। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू नॉर्मलाइजेशन का होता है, आप सभी को लोगों को पता है नॉर्मलाइजेशन होता है कंफर्म होता है, क्योंकि CGL में अभी आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगा। अगर आपने 60 क्वेश्चन किए आपका 120 बन रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है 10-15 नंबर का यहाँ पे अगर बढ़ते हैं सभी के बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, इजी और हार्ड शिफ्ट आप सभी को पता होगा, ये ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये कंफर्म मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, फाइनल जो कट ऑफ आपकी, मैं 130 जनरल बता रहा हूँ, अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ मान लीजिए तो वो सीधा सा कट ऑफ पर असर पड़ता है, 130 से कट ऑफ आपकी सीधी 145 के आसपास चली जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए आपके नंबर भी 10-15 नंबर बढ़ेंगे तो जो आपके नंबर 130 बन रहे हैं वो आराम से 145 के अबव हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ बढ़ती है तो आपके नंबर, आप अपने दिमाग पे लोड मत रखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो अपन फेल हो जाएंगे या टीयर फर्स्ट क्लियर नहीं होगा या कट ऑफ हाई चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आप सभी को पता है यहाँ पे हार्ड शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपका चांसेस बनता है 15-20 नंबर के आसपास बढ़ने का, क्योंकि CGL में अपन ने देखा है कई लोगों के बढ़े भी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।